सो गाइस इस बैकग्राउंड को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेना होगा पिक्सार टाइप के अंदर इस बैकग्राउंड का, और इसमें एडिटिंग में जो पीएनजी यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से हम ऐड फोटो पे क्लिक कर लेते हैं और अपनी मॉडल का पिक यहाँ से ऐड कर लेते हैं। आप अपनी फोटो को नॉर्मली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड हमने इस फोटो का इरेज किया है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख कर सीख लीजिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड इरेज कर लेने के बाद आपको यहाँ से फोटो सेट कर लेना है। उसके बाद आपको एफएक्स वाले टूल के अंदर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफएक्स मिल जाएगा, सिंपली आपको एफएक्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप कलर्स वाले टूल के अंदर आ जाओ और यहाँ से सिचुएशन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिचुएशन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ब्लेंड मोड को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी अमाउंट को हम पूरा 100 कर देंगे। ठीक है, अमाउंट बढ़ा देने के बाद अब आपको ऊपर एक इरेजर का ऑप्शन मिलता है, इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ जो इरेज लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इरेज की आपको हार्डनेस पूरा बढ़ा लेना है। ठीक है, साइज अपने हिसाब से आप रखोगे और कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर देना है, यानी कि आपको अपने फेस से इरेज कर देना है। ये जो भी हमने अभी सिचुएशन का इफेक्ट अप्लाई करा वो सिर्फ हमारे टी शर्ट के लिए था, तो मैं जल्दी जल्दी इसे फेस से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको जो है इरेज कर लेना है, सिर्फ आपको अपने टी शर्ट पे ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, उसके बाद आपको सिंपली ऊपर से डन कर लेना है। ठीक है, तो इतना काम आपका खत्म होता है। अब यहाँ से आप चाहो तो अगर आपको कोई और काम करना हो तो यहाँ मर्ज कर सकते हो, नहीं तो आपको डन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमने कर लिया डन। अब यहाँ से आपको अगेन एक राइट मार्क ऊपर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब गाइस आपको ड्रॉ टूल के अंदर चलना होगा, तो यहाँ से हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, ये एक टूल है, तो आपको ड्रॉ टूल के अंदर आ जाना है। यहाँ पे ऊपर ड्रॉ लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आ जाने के बाद आपको लेयर्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से दो लेयर, और मतलब एक लेयर ऑलरेडी बना हुआ है एम्प्टी लेयर, और एक आपको यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ एक एम्प्टी लेयर लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको दो एम्प्टी लेयर ले लेना है। सबसे पहले आपको सेकंड वाला एम्प्टी लेयर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, कलर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको रेड वाला कलर ले लेना है। ठीक है, हमने रेड कलर यहाँ पे ले लिया और यहाँ से आपको फोटो को जूम करना है और कुछ इस तरीके से गाइस इसे हम अपनी सिर्फ सनग्लासेस पे ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये रेड कलर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे टी शर्ट का कलर रेड था। आप कोई और भी कलर रख सकते हो अगर आप अपने सनग्लासेस पे दूसरा कलर रखना चाहो। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से जल्दी जल्दी से पूरे सनग्लासेस पे ये कलर फिल कर देते हैं। आप अगर सनग्लासेस का कलर अपना चेंज करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से गाइस जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको पूरे अपने सनग्लासेस पे चला लेने हैं। मेरे ख्याल से गाइस आप पहले एक साइड से लाइन क्रिएट कर लो और उसके अंडर में आप सारे कलर को फिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे गाइस जितना हो जाने के बाद ऊपर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल पे आपको क्लिक करना है और इसे आपको जो है ओवरले कर देना है। ठीक है, यहाँ आपको ओवरले सबसे लास्ट में मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख पा रहे सनग्लासेस का कलर कितना मस्त हो गया। यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, एक एम्प्टी लेयर और रह गया, वो सिलेक्टेड है। ठीक है, देख पा रहे हो आप, तो हम एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट कर लिए और इस एम्प्टी लेयर के अंदर, यानी कि हमने दो लेयर क्रिएट किया, दो काम करना था इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ से दूसरा काम ये है कि इसके कलर को आपको हटाना है। अब यहाँ से व्हाइट वाला कलर ले लेना है। ठीक है, तो एक लेयर हमारा बच गया। अब आपको कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपने फेस पे चलाना है। ठीक है, ये व्हाइट वाला जो हमने अभी कलर लिया है ये सिर्फ आपको फेस पे चलाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से आपको अपनी मतलब फेस पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन सा क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंडर में इस तरीके से मैं चला देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि पूरा फेस के एरिया को आपको कवर कर लेना है, मतलब आपको जितना भी आपको फेस को वाइट करना है, पूरा मतलब गोरा करना है, उतना आपको इस पार्ट को जो है सिलेक्ट करना होगा, मतलब कुछ इस तरीके से वाइट वाइट जो है चला देना होगा, कलर फिल करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन क्रिएट कर दी तो हो गया, नहीं। तो आप देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये व्हाइट वाला जो है हमने लिया था कलर, ये कुछ इस तरीके से फेस पे जो है फिल करना है, मतलब आपको जितना भी फेस को व्हाइट करना है आप इसके हिसाब से कर सकते हो। बहुत ईजी है गाइस और बहुत ही मस्त लगता है फेस यहाँ पे। तो मैं पूरे फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट यहाँ पे हो गया हमारा फेस। तो कुछ इस तरीके से ही आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है
फोटो को जूम कर करके करना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमने पूरे फेस को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख पा रहे हो अभी कितना बेकार सा लग रहा है। अब आपको ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इसकी ओपासिटी जो आपको नीचे आपको नजर आ रही है, तो ओपासिटी को आपको कम कर देना है, ठीक है। तो इसे आपको कम करोगे तो आपको देखना फेस कितना मस्त यहाँ पे हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होगा इसकी फेस कितना ज्यादा लाइट आ चुका है फेस पे और कितना गोरा यानी कि मस्त लग रहा है। तो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अपने फेस को कितना ज्यादा व्हाइट रखना है, गोरा रखना है। तो आपको जहां पे भी अच्छा लगे आप वहां से रख कर डन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पार्ट्स बाहर भी निकल गए हैं तो हम इसको इरेज कर लेंगे। इरेज करना बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, साइज को अपने हिसाब से सेट करना, ओपासिटी को फुल एंड हार्डनेस को भी फुल, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपको जहां भी पार्ट जो है बाहर की ओर निकल गया उसे आपको इरेज कर देना है। अगर आप फिल करना चाहो तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन की मदद से फिर यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे तो वो एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इरेजर से इरेज कर लेते हैं और पेंसिल वाले से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गई हमारी फेस पे पूरा जो है सिलेक्शन हो चुका है, हमारा फेस बहुत ही मस्त यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ओपासिटी आपको जितना भी रखना हो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि फेस मतलब आपको अपने फेस पे कितना लाइट चाहिए या आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। मैं यहाँ से 34 कर लेता हूँ इसकी ओपासिटी को, 34%, और यहाँ से आपको सेव कर लेना है मतलब डन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक PNG को ऐड करना है। PNG को ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक लाइट की PNG आपको ऐड करना है, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इस PNG को ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपको ब्लेंड जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लेंड पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर देना है और कुछ इस तरीके से आपको अपने हेड के ऊपर मतलब ऐसे आपको रख लेना है, ठीक है। मतलब नीचे आपको कुछ इस तरीके से शोल्डर के पास आपको रख लेना है, ठीक है। और इसकी ओपासिटी को भी हम कम कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लग रहा है जिसके कारण कुछ खास नहीं लग रहा है फोटो में। तो इसकी ओपासिटी को भी हम कम कर लेते हैं यहाँ पे, तो जितना आपको लगे अच्छा उतना पे आप डन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी ओपासिटी कम करके डन कर दिया। अब बात आती है अगर हेयर को एडिट करने की, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ टूल के अंदर चल के इस फोटो को सेव कर लेना है, वो भी फुल HD में। तो यहाँ पे ड्रॉ टूल के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ से आपको 3 डॉट के आइकोन नजर आ रही होगी सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी फोटो आपकी गैलरी में गाइस सेव हो जाएगी। अब आपको अपनी फोटो को गैलरी से सिलेक्ट करके ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी गैलरी में आ चुके हैं और इसी फोटो को अब हम सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी हमने पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट किया, ठीक है। तो ये रही हमारी फोटो। अब सिंपली यहाँ से शेयर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर देना है एंड शेयर टू आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको ओपन कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके। ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रशेज आपको दिख जाएगी गाइस। तो आपको स्मर्ट वाले नहीं, स्मर्ट नहीं, आपको यहाँ पे आपको ये वाली कैटेगरी आपको मिलेगी सिंथेटिक पेंट। तो ये सिंथेटिक पेंट वाली कैटेगरी में आकर ये सेकेंड वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए, अगर आपको इसकी सेटिंग को इधर उधर करना हो तो साइज को जैसे कम करना तो आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ से कलर का एक ऑप्शन मिलता है जो कि 4th नंबर पे है। कलर के यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब अगर आपको अपने हेयर पे कलर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से रेड कलर ले लिया और फिर मैं दूसरा कलर भी एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दूसरा कलर भी ले लेता हूँ, ये सीएन वाला कलर मैं ले लेता हूँ। तो मतलब जो भी आपको कलर अच्छा लगे, अगर आपको अपने हेयर पे रखना हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं रखना हो कलर तो फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब गाइस आपको पेंट मतलब यहाँ पे हो गया सिंथेटिक पेंट के अंदर। अब आपको यहाँ से मर्ज वाले कैटेगरी के अंदर रहना है और ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्मार्ट से मतलब ब्रश है, तो इसके अंदर इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए। फ्लो को आपको 20 रखना है एंड स्ट्रेंथ को आपको 21 रखना है, ठीक है। साइज को अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है, कम या ज्यादा करके देख सकते हो, जहाँ पे आपको परफेक्ट लगे उसी के हिसाब से आप रख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से 9 या 10 रखता हूँ साइज को, ठीक है गाइस। और कुछ इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना है, ठीक है। इससे आपकी हेयर स्टाइल जो है बनेगी, तो आपको जैसे हेयर स्टाइल आपको अपनी फोटो में चाहिए कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो साइज बहुत ही छोटा है जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं बस बताने के लिए आपको यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो साइज को बढ़ा देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको अपनी हेयर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कितनी आसानी से हमारी हेयर जो है एडिट हो रही है। अगर मैं ऐसे ही गाइस धीरे धीरे करता रहूँ ना तो 2 घंटे लग जाएंगे, मगर आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो हमें समय लगता है क्योंकि बताना पड़ता है, उसके अनुसार ब्रश को हमें चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी हेयर को एडिट करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की ओर, याद रहेगा नीचे से आपको ऊपर की ओर ड्रॉ करना है,
ये नहीं कि ऊपर से नीचे ला दिया तब तो आपकी हेयर स्टाइल बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर पर ड्रॉ करना है ताकि आपकी हेयर स्टाइल एक अच्छी सी बन जाए, तो आपको सैलून भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से पूरे हेयर पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस कि हमारे हेयर में काफ़ी अच्छा एक हेयर स्टाइल जो है फोटो में बन चुका है। इतना हो जाने के बाद अब आपको इस थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जाना होगा आपको लाइब्रेरी पे। यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आने के बाद ये जो है स्मार्ट्स कैटेगरी के अंदर ही आपको सेकंड वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी सेटिंग आप देख लीजिए, जो मैं रखा हूँ आपको सेम वही रखना है। इसकी फ्लो को 1% कर देना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को आप 3 या 5% भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी साइज को अपने हिसाब से सेट करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस पे चलाना है, ठीक है। इससे आपकी फेस जो है स्मूथ होगी। तो अगर आपको अपने फेस को स्मूथ करना है तो आप इस ब्रश का यूज करके स्मूथ कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इस ब्रश की मदद से आप अपने फेस को गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हो, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फेस कितनी मस्त यहाँ पे स्मूथ हो गई है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट रह गया, मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो स्मूथ करने के लिए गाइस ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, हालांकि जिससे हमने हेयर को एडिट किया उससे भी स्मूथ कर सकते थे। तो अब गाइस इस फोटो को सेव कर लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ से सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस ऐसे हमारी फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेते हैं। आई होप गाइस